मेन थीम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना, उसका अलग अलग फॉर्म देखना, और वहां से जो नया नया चीज आपके सामने उभर के सामने आएगा एक एक करके हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए सबसे पहला और बेसिक फंडामेंटल टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। आप किसी भी सिस्टम के अंदर जो अलग अलग तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उनके बीच का जो मोशन है, इन सब वजह से जो भी उस सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कंटेंट एग्जिस्ट करता है, उस टोटल एनर्जी कंटेंट को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है, और उनका मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, समथिंग लाइक दैट, उस वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। जब आप दोनों तरह के एनर्जीज का नेट सम फाइंड आउट करते हैं तो वो उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कहलाता है। कोई भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव कहने का मतलब होता है कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। 2 kg का इंटरनल एनर्जी और 4 kg सिस्टम का पोर्शन अगर रहा तो याद रखना 4 kg वाले का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा ध्यान रखना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, घटाते हैं तो इंटरनल एनर्जी घटता है। बस केवल एक जगह जहां फेज चेंज होने के दौरान सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस टेम्परेचर नहीं बदलता लेकिन इंटरनल एनर्जी बदलता। ठीक है, तो फेज चेंज को छोड़ दो, तो जब टेम्परेचर चेंज होगा बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो ये सब आज का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, वही से हम लोग आज का क्लास डिस्कस करना है। सी दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी मौजूद है उसी को उसका इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट बात, डिपेंड्स ऑन कैपिटल टी, टेम्परेचर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, चेंजेस ड्यूरिंग फेज चेंज, फेज चेंज इवन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। फेज चेंज में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है फिर भी इंटरनल एनर्जी का वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, तो केवल फेज चेंज ही एक ऐसा स्टेप होगा जहां हमारा इंटरनल एनर्जी फिर भी चेंज करेगा जबकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। अदरवाइज जब जब टेम्परेचर में चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, अदरवाइज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट। क्लियर है? तो ये है। अभी एक चीज ध्यान रखना कि आप कभी भी इंटरनल एनर्जी को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं करते हैं। मान लें इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई से दिखा रहे, इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विथ एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बट जो आप डेल ई निकालते हैं कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, इसको हम लोग एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो याद रखिएगा, आप अगर चेंज इन एनर्जी लेते हैं तो ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। और जब भी हम लोग चेंज इन एनर्जी का बात करेंगे, ये 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है चेंज इन एनर्जी। अगर एनर्जी बड़ा है तो चेंज पॉजिटिव है, अगर एनर्जी घटा है तो चेंज नेगेटिव है, एंड सो डेल ई। ठीक है, अब देखो यहां पे टर्म एग्जिस्ट करता है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली कुछ और तो है नहीं, आप बहुत बार पढ़ के रख चुके हैं। दिस इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर किसी सिस्टम को हम लोग बाहर से क्यू अमाउंट ऑफ हीट दें और इस पे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क किया जाए, ठीक है, तो याद रखना कि जो यहां पे आप क्यू लिखते हैं, जो यहां पे हीट आप लिखते हैं, या फिर जो यहां पे आप हीट लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस डब्ल्यू। आपके दिए गए हीट का दो हिस्सा होगा, आपके दिए गए हीट का, देखो एकदम लॉजिकल बनेगा ना तो चीज ज्यादा अच्छा होगा। आपके दिए गए हीट का दो हिस्सा होता है, उसका कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट होता है, मतलब सिस्टम कुछ वर्क कर देगा, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। तो आप जो भी हीट देते हैं वो चेंज इन एनर्जी और सिस्टम जो वर्क करता है उसके बराबर होता है। यहां तो यहां यहां या यहां तीनों जगह दो दो पॉसिबिलिटी है साइन का, तो उसको जरा समझना। अगर छोटा छोटा फिगर बना रहे हैं देखना, तो मान लो ये गेन किया है एक्स हीट और ये वर्क परफॉर्म किया है वाई, और इसका चेंज इन एनर्जी है जेड, तो क्या अभी मेरा ये रिलेशन होगा x is equals to change in energy में z और work में y? क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब अगला देखना। हीट गेन किया x और आप वर्क भी कर दिए हैं इस पे y, और इसका चेंज इन एनर्जी है z, तो क्या अभी तुम लिखेगा ऐसा x is equals to work, work done on system, so it is negative and energy increases, so it is positive. क्या बोलता, सही है? साइन देखो, साइन। अगला देखो फिगर, हीट का लॉस हुआ x, ये वर्क किया y और इसका चेंज इन एनर्जी है माइनस z. तो देखो इक्वेशन q, q प्लस लेगा कि माइनस लेगा? माइनस x, चेंज इन एनर्जी प्लस लेगा या माइनस लेगा? तो माइनस z, और वर्क प्लस लेगा या माइनस लेगा? तो प्लस y. क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जैसा जैसा कंडीशन रहेगा यू हैव टू यूज प्रॉपर साइन ऑफ, सो फॉर यूजिंग q इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस w, use q del e and w with proper sign, with proper sign, आप proper sign के साथ उसको use, ठीक है? बोलो सर, ये जो del e, जो u है internal energy, हाँ, उसका sign सर वो change temperature पे depend करेगा क्या? del e का sign, del u का, हाँ वही 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 बात है, ठीक है ना? ठीक है, कोई चीज़। तो देखो ये टेम्परेचर पे अगर होता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिल्ली का वैल्यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा तो दिल्ली का वैल्यू निगेटिव, सही है? तो उसके हिसाब से आप देख लो, बस आप ये लॉजिकल ध्यान रखना कि अगर उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा है तो दिल्ली पॉजिटिव है, और अगर इंटरनल एनर्जी घटा है तो दिल्ली निगेटिव, ठीक है? वेरी गुड। अब जरा सोच कि जब तुम सॉलिड को लिक्विड में बदला, अभी हम लोग आगे जाने वाले उसमें, अगर तुम सॉलिड को लिक्विड में बना तो तुम हीट दिया कि हीट निकाला? हीट दिया ना,
अरे कोई बर्फ पिघलेगा तो उसके लिए वो हीट गेन करेगा ना, तो हीट गेन करेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सो दिल्ली इज पॉजिटिव, क्लियर है? यस सर। नोट करो फिर और आगे। नहीं भाई जरूरी नहीं, मान ले तुम हीट दिया किसी को, सपोज सुनना, या चलो तुम ही पे बात कर लेते, तो मैंने अगर सुबह नाश्ता किया उसमें तुम 200 कैलोरी है ना एनर्जी गेन किया, ठीक है 200 कैलोरी है ना, तुम जो नाश्ता किया उससे ब्रेकफास्ट से तुमको 200 कैलोरी मिला, लेकिन उसके बाद है ना हम जम के तुमको पढ़ा दिए, तुम फील्ड में दौड़ उड़ लिया हाँ, और 250 कैलोरी वर्क कर दिया, तो बता हीट तो गेन किया था ना तुम सुबह में 200, लेकिन वर्क कर दिया 250, तो तेरा टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? क्या घटना चाहिए? हाँ घटेगा। तो हीट को तुम टेम्परेचर से मत जोड़ो, यहां दो फैक्टर होता है, दोनों सोचना पड़ता है, क्यू और डब्ल्यू दोनों। हाँ लेकिन डेल ई का सर्टेन है कि अगर डेल ई बढ़ा, डेल ई पॉजिटिव आ गया, डेल ई अगर पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, और अगर डेल ई निगेटिव आ गया, इंटरनल एनर्जी का चेंज निगेटिव आ गया तो टेम्परेचर घटा, ठीक है? चलिए थोड़ा सा बेसिक में प्रॉब्लम है तो थोड़ा एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेंगे। एक सिस्टम है 100 जूल एंड वर्क इज सपोज टू बी 80 जूल, कोई देख के बता सकता है डेली कितना होगा? देख के बताना कितना, प्लस 20 ना? चलो सर हम देख के नहीं बनाएंगे, आप मैंने एकदम बना के दिखा दीजिए, तो देख भाई क्यू है, हीट गेन है तो प्लस 100 डेली निकालना है, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम सो प्लस 80 इधर चल के चला गया, सॉल्व हो गया, डेली आ गया प्लस 20, और प्लस 20 जूल आने का मतलब टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर बढ़ गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिर से मान लो हम लोग के पास सिस्टम है और वो 100 जूल हीट गेन किया और इस बार ये वर्क कर दिया है 150, बता भाई डेल ई कितना? माइनस 50 जूल। इस बार भी उतना ही हीट गेन किया जितना कि पिछले केस में किया, लेकिन पिछले केस में किया गया काम कम था, इस बार ज्यादा है, तो क्या बोलता है टेम्परेचर का क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। अभी जरा देख के बता देना, फटाक से एकदम देख के बता देना, दिस इज 10 एंड दिस इज 20, क्या बोलता है टेम्परेचर बढ़ा के घट गया? इतना सोचेगा क्या, मेरे डेल ई का वैल्यू माइनस 30 आया, बढ़ा कैसे, डेल ई का वैल्यू माइनस 30 आया, तो माइनस 30 आने का मतलब बढ़ा या घटा? घटा। अगला देखो, ये हमारे पास एक सिस्टम, ये क्यू है 10 और ये वर्क है 40 या 50, बोलो डेली देख के बोलो क्या प्लस 60 होगा? बोलो टेम्परेचर बढ़ा कि घट गया? तो दैट ऑल डिपेंड्स कि सिस्टम कैसा है और उस पर इवेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हीट गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना वर्क सिस्टम कर रहा है कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है, कितना, मैग्नीट्यूड ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि यहां और यहां तुम साइन देखो तो एक ही है बट मैग्नीट्यूड विल मैटर ना, यहाँ 80 है या 150 है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया था तो यहाँ टेम्परेचर घट गया, क्लियर है? चलिए नोट कीजिए फिर और आगे बढ़ते। अब देख फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। नाउ सी दैट, कि मान लो हम एक इवेंट लेके चलते हैं ऐसा कि हम लोगों के पास सिस्टम है, ये हीट को गेन किया है, वर्क हुआ है, तो आपके डेल क्यू का वैल्यू है डेल ई प्लस डब्ल्यू। ये एक इक्वेशन लेके चलते हैं बेसिक। अब जरा देखना और समझना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आप आइसोथर्मल प्रोसेस का बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट फेज चेंज, फेज चेंज को छोड़ दीजिए, आप आइसोथर्मल प्रोसेस का बात कर रहे हैं, आप आइसोथर्मल प्रोसेस का बात कर रहे हैं एक्सेप्ट फेज चेंज। तो वैसे केस में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपका टेम्परेचर तो है कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी है कांस्टेंट, और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जीरो। तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो क्या बोलेगा, हीट जो है वो वर्क के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम तुमसे बोले कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालो, तो क्या तुमको मालूम है वर्क कैसे निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में? 2.303 एनआरटी लॉग v2 बाय v1 या p1 बाय p2, याद आया? तो वर्क निकाल दीजिए वही हीट के बराबर होगा। आपसे पूछेगा हीट, आप बोलेगा हीट का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन भाई हीट नहीं निकालेगा तुम, वर्क निकालेगा, वर्क जो वर्क आएगा वही हीट होगा आइसोथर्मल। सेकेंड, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या होता है भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में? वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, वर्क हमेशा ध्यान रखना पी डेल वी होता है, तो पी डेल वी इज आल्सो जीरो, पी डेल वी इज आल्सो जीरो। ध्यान रखिएगा, वर्क अगर जीरो है तो क्यू और डेली बराबर है, मतलब अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जितना हीट का एक्सचेंज होगा उतना ही उसका इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। मतलब बोलिए और क्लियर, कोई क्लोज कंटेनर में अगर कोई इवेंट हो रहा है, कंटेनर बंद है, आप 50 जूल हीट दे दिए, आप 100 जूल हीट दे दिए, आप 50 जूल हीट निकाल लिए, 100 जूल हीट निकाल लिए, तो याद रखना कंटेनर अगर बंद है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो भी तुम हीट दिया वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। 50 जूल हीट दिए तो याद रखना कि 50 जूल उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, 50 जूल हीट निकाले तो समझ जाना कि 50 जूल उसका इंटरनल एनर्जी घट गया। तो कभी भी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये, अब देख क्या इस क्यूवी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एन सी वी डेल टी, इसका मतलब ये है ना कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन सी वी डेल टी। इसलिए आप देखिएगा इंटरनल एनर्जी बाय टेम्परेचर का जो चेंज है उसको हम एनसीवी लिख सकते हैं। आप याद कीजिए पिछले दिन जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम लोग इसको यूज किए थे, हम लोग इसको ऐसे यूज किए थे कि इंटरनल एनर्जी का जब हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सीवी के बराबर होता है, याद है? नंबर ऑफ मोल्स है, एन नंबर ऑफ मोल्स, अगर एक मोल का बात कीजिएगा तो एक लिए। तो ये था हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस। वैसे आइसोकोरिक प्रोसेस में के अलावा हम एक और चीज आपको बता दें, दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि प्रेशर एक्सटर्नल जीरो है, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, पी एक्सटर्नल जीरो।
अच्छा अगर पी एक्सटर्नल ही नहीं होगा तो वर्क हमेशा ध्यान रखना जीरो होगा, वर्क हमेशा जीरो होगा, वर्क हमेशा जीरो होगा, फ्री एक्सपेंशन। हम बोले कि देखो जी गुब्बारा को ले जाओ स्पेसशिप से अंतरिक्ष में ले जाओ, स्पेस में ले जाओ और वहां गुब्बारा को बाहर निकाल दो, गुब्बारा फूलेगा फट जाएगा, व्हाट इज द वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन, रीजन आउटर स्पेस देयर इज वैक्यूम, नो एक्सटर्नल प्रेशर इज देयर, इवन देयर इज सम चेंज इन वॉल्यूम बट स्टिल दैट वर्क इज जीरो, वर्क इज जीरो, तो वर्क जीरो है यार, वर्क जीरो है, तो जो क्यू होगा वो डेली होगा, मतलब एक्सपेंशन अगर नहीं हो रहा है तो जो भी आप हीट देंगे वही चेंज इन एनर्जी, अगर आप हीट भी नहीं दिए, अगर आप हीट भी नहीं दिए तो उसका एनर्जी भी नहीं बदलेगा। सो याद रखना फ्री एक्सपेंशन होगा या एक्सपेंशन अगेन वैक्यूम होगा तो पी एक्सटर्नल जीरो होगा, वर्क जीरो और वहां से जो निकालना होगा निकल। अगला लाइन सुनो, फोर्थ सॉरी थर्ड, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या जीरो, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो, सो रिमेंबर दिस, जीरो इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस डब्ल्यू, सो डेल ई विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस में आप जो भी वर्क करेंगे उसका निगेटिव इंटरनल एनर्जी होगा। मेरे सर क्या बोल रहे हैं जरा समझाइए हमको, देख ये रहा एक प्रोसेस सिस्टम है और ये रहा एरो, बताओ सिस्टम के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा, बढ़ रहा है या घट रहा है, इस फिगर को देख के बताओ सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, क्यों घटेगा, वेरी गुड ठीक है ना, अभी जो वर्क है दैट वर्क इज पॉजिटिव, इसका मतलब डेल ई है नेगेटिव और डेल ई नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर फॉल्स। लास्ट का कॉपी पे देखिएगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेंड्स टू कूलिंग लिखा है क्या एक जगह, तो देख रहा एडियाबेटिक एक्सपेंशन ही है ना, टेंड्स टू कूलिंग, नहीं समझा, ठीक। अब इसी का रिवर्स देख, ये मेरा सिस्टम और इस पे आप वर्क कर दिए भाई, अब आपने सोच वर्क माइनस तो क्या मेरा ये डेल ई हो गया प्लस, और प्लस होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस। कॉपी पे देखिएगा तो हम एक लैंग्वेज दिखाए थे, एडियाबेटिक कंप्रेशन टेंड्स टू हीटिंग, सही है, yes. ठीक है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन करेगा तो ठंडा होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन करेगा तो गर्म होगा। जरा इस फिगर को देख के बता देना, इस फिगर को देख के बता देना, मेरे पास एक टीवी डायग्राम है, ये दो को कर्व है, ये आइसोथर्मल है ऑब्वियसली, ये एडियाबेटिक है, ओके, यहां का टेम्परेचर है टी वन, यहां का टेम्परेचर है टी टू, यहां का टेम्परेचर है टी थ्री, वट इज रिलेशन बिटवीन टी वन टी टू एंड टी थ्री, वट इज रिलेशन बिटवीन टी वन टी टू एंड टी थ्री, बोलो बोलो कौन ज्यादा कौन कम कौन बराबर, ऐसे सोच के बोलो, टी वन टी टू इक्वल होगा, बिल्कुल सही, आगे टी वन इक्वल लेस देन, वो दोनों टी थ्री से बड़ा, एकदम सही बोला, एकदम सही, देख T1 और T2 बराबर है क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर बराबर, सो T1 और T2 बराबर। अब देखो T3 का डिसीजन लेना होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है और एरो दिखा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक्सपेंशन है, अगर एक्सपेंशन है तो कूलिंग है, कूलिंग है, वेरी गुड, तो ये लेस देन T3, क्या आपको समझ में आया, नोट किया यहां तक फटाफट। देखो अगर हम लोग के पास फिफ्थ प्रोसेस है, दिस इज साइक्लिक,
साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब यह है कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम है, सो चेंज इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जीरो है। अगर चेंज इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जीरो है तो क्यू और वर्क सेम है, मतलब जितना वर्क होगा वही हीट है, जितना वर्क होगा वही हीट है। और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो साइक्लिक लूप बनता है उसके अंदर का एरिया निकाल, साइक्लिक लूप जो बनता है उसके अंदर का एरिया निकाल लेते हैं। आप अंदर का एरिया निकालेगा वो वर्क होगा, और जो वर्क होगा वही हीट है। तो सर हीट गेन है कि लॉस है, डिपेंड्स यार कि वर्क डन ऑन सिस्टम है कि वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है ना। अभी देखो अगर बाय सिस्टम है तो वर्क का साइन कैसा, प्लस या माइनस, तो अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस आया, और अगर क्यू प्लस आ गया तो हीट गेन या लॉस, गेन, हीट गेन, ठीक है। तो देख जैसे मान ले हम लोग के पास, सपोज हम लोग के पास एक छोटा सा पीवी डायग्राम ऐसा है, लाइक दैट, ये पीवी डायग्राम। अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट स्ट्रेटनेस दे दे, हम पूछ दे कि बताओ जी इस केस में कितना वर्क कितना हीट, तो आप कुछ नहीं कीजिए वर्क निकालिए, वर्क करने का मतलब है एरिया निकाल। आप बताइए यहाँ पे सोच के बताइए कि ये हीट गेन है कि लॉस है, वर्क डन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क जो है वर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव, सो हीट लॉस, तो ये हीट का लॉस, ये हीट का लॉस, क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में ऐसे चलना। अब देख एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, आप तीन क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, आप क्यू पढ़ रहे हैं, आप डब्ल्यू पढ़ रहे हैं, आप डेली पढ़ रहे हैं। ये क्यू और डब्ल्यू ये जो दो चीज है दैट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन कैसा कैसा स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, कुछ और है, उन सब के हिसाब से क्यू और डब्ल्यू बदलता है, लेकिन इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है डेली, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो क्यू है हीट है, जो वर्क है डब्ल्यू है, वो एक पाथ फंक्शन है, आप कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ सी दैट अ स्मॉल क्वेश्चन, ध्यान रखना, you have a PV diagram and your diagram is like that, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, इसलिए ध्यान रखिएगा। वन है, ये टू है, और ये थ्री है, ए बी सी डी है। आपको तीनों केस में किए गए वर्क को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में से जाना है, आपको तीनों केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में से जाना है, और तीनों केस में जो हीट का गेन होगा उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वन। बताओ वर्क का ऑर्डर बताओ, वर्क बताओ, वर्क बताओ, वन टू थ्री, किस केस में वर्क ज्यादा, सेम, बराबर, सब, सर वन में ज्यादा, उसके बाद टू में सबसे कम, थ्री, और किसी का, किस केस में वर्क ज्यादा, वन में, वेरी गुड। रीजन क्या है कि नीचे का जो एरिया है, नीचे का जो एरिया वो सबसे बड़ा है, तो वर्क टू से कम थ्री। इंटरनल एनर्जी का बोलो चेंज किस केस में ज्यादा कम, तीनों केस में सेम, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं, सबका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो चाहे वन से जाओ, टू से जाओ, या थ्री से जाओ, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम। अब बोलो हीट, हीट किस केस में ज्यादा या कम, अब क्यों होता है डेली प्लस डब्ल्यू, अब डेली तो सबका सेम है, तो जो वर्क है वही हीट है,
क्या समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन सोच के बताना। यहाँ पे एक लिक्विड है, एक बॉल को ऊपर से गिराया गया, वो आया, इससे टकराया, इसमें इंटर कर, ठीक है, ये हाइट दिया हुआ है, इस बॉल का मास है मैक्स ऑन सोन सोन। बोला गया इफ 60% ऑफ एनर्जी ऑफ बॉल इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन, how temperature of liquid will vary, how temperature of liquid will vary, liquid का temperature कैसे बदलेगा ये बताओ। तुम सोचो अपने से, हम कोई data calculation में नहीं दिए हैं, हमने बोले कि इतना value बताओ, उसके लिए तो book देगा अपना data देगा। तुम इस logic को समझो, समझो उस concept को जिसके अंदर छिपा है। क्या तुमको समझ में आ रहा liquid के temperature का होगा क्या? बोलो। बढ़ेगा कैसे निकालेंगे? चल अगर निकालना पड़ जाता तो कैसे निकालते? एनर्जी को 60% ले लेते। अच्छा इसके पास एनर्जी कौन सा फॉर्म है? MgH। MgH का 60% जो है वो लॉस हो गया, तो 40 लेंगे और 40 फिर यहां आ गया हीट के फॉर्म में, और उस हीट से फिर हम इसका टेम्परेचर का राइज निकाल लेंगे। क्या सही है? अब ऐसे न्यूमेरिकल्स को बनाने में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपना रोल प्ले करता है, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, एंड दैट इज कैलोरीमेट्री। समझ में आया? कैलोरीमेट्री आपको देखना पड़ता है। क्लियर है? नोट करो यहां तक, थोड़ा कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स है, वो सब आप जानते होंगे। आप जानते हैं पहला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस से रिप्रेजेंट करते हैं कि हीट पर यूनिट मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। सो इसका यूनिट होता है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? जूल पर यूनिट मास पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसीलिए कभी आप क्यू लिखिएगा तो आप एमएस डेल्टी भी लिख सकते हैं, एमएस डेल्टी। सेकेंड टर्म इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय एच। याद रखना कि योर हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल्स टू हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सो जूल पर डिग्री सी पर डिग्री सी, यहाँ पे दूसरा यूनिट है जूल पर केल्विन। अब जरा गौर करना कि अगर कभी भी क्यू लिखना पड़ा तो क्या एच इंटू डेल्टी लिखते हैं, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टी, या फिर ऊपर से जाओ, ऊपर से जाओ तो एच क्या एम इंटू एस के जगह पे है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो आप याद रखिएगा कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास पे डिफाइंड होता है, जबकि हीट कैपेसिटी पूरे बॉडी के लिए डिफाइंड होता है। फिर से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस के लिए पर यूनिट मास पे डिपेंड करता है, जबकि हीट कैपेसिटी पूरे बॉडी के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। थर्ड टर्म है हम लोगों के पास, ये सब टर्म से सुन लो फिर उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट आएगा। थर्ड हम लोगों के पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद रखिएगा पर मोल के लिए बात होगा, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज क्यू बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड चेंज इन टेम्परेचर।
क्यू बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड चेंज इन टेम्परेचर. सो यूनिट इज जूल पर मोल पर कैल्विन, या फिर जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड. इसलिए आप क्यू को अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एलसी डेल्टी. देख आप क्यू को लिख सकते हैं एमएस डेल्टी. तो यहां एम मास है, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, या आप हीट को लिख सकते हैं एनसी डेल्टी. तो यानी यहां नंबर ऑफ मोल्स है और सी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. सो रिमेंबर दिस. ठीक है, बेसिकली आपका सी का वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जरा बात करना. जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्यू बाई एन डेल्टी है. अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल बता डेल्टी कितना, तो याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस का सी होता है इंफिनिटी. आइसोथर्मल प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है इनफाइनाइट. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू होता है इनफाइनाइट. बी मान लीजिए है एडियाबेटिक प्रोसेस. अगर एडियाबेटिक है तो हीट जीरो होगा, और अगर हीट जीरो है तो क्या सी का वैल्यू भी जीरो होगा. मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है कि स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू जीरो. ऐसे ही आप बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर सिमिलरली सी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ऑल्सो. तो सी जो है वो प्लस माइनस नेगेटिव कुछ भी होता है. ठीक है, तो सी का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सी कैन हैव, सी कैन हैव एनी वैल्यू. माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सी का कोई भी वैल्यू होता है. माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सी का कोई भी वैल्यू होता है. ठीक है ना, बट टू स्पेशल केसेस आर. अब आप यहां दो स्पेशल केस पढ़ते हैं, एक होता है सीवी और एक होता है सीपी. सीवी का मतलब हो गया है हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी का मतलब हो गया हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर. कोई एक कंटेनर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन अपने से ऊपर नीचे कर सकता, अपने से ऊपर नीचे कर सकता. बताओ तुम उस कंटेनर को हीट कर रहा है तो वो कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम है या कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सिस्टम है? कांस्टेंट प्रेशर. तो उसको आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा. और उसी में पिस्टन को आप एक जगह पकड़ लेते, उसको ऊपर नीचे नहीं करने देना है, तो कौन सा प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर. सो याद रखना कि जब भी हम हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो एन सीवी डेल्टी को यूज करेंगे. अगर हम हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो एन सीपी डेल्टी को यूज करेंगे. अब छोटा छोटा दो तीन रिलेशन है, आपको याद होगा कि सीपी माइनस सीवी का वैल्यू आर होता है और सीपी बाई सीवी का वैल्यू गामा होता है. ठीक है, तो ये सब आप जानते. नोट किया यहां तक फटाफट, दो तीन और उसको सीख लेते फिर आगे बढ़ते. चलो फॉर एनी प्रोसेस, मान लो कोई भी हमारे पास प्रोसेस है, हमारे ना सी का कोई भी वैल्यू होता है, तो याद रखना इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू होता है आर बाई गामा माइनस वन प्लस आर बाई वन माइनस एक्स. कोई भी प्रोसेस के लिए आप सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड योर सी विल बी इक्वल्स टू आर बाई गामा माइनस वन प्लस आर बाई वन माइनस एक्स. तो सर इसमें एक्स क्या है, गामा तो हम लोग पहचानते हैं, एक्स क्या है. फॉर प्रोसेस, मान लो एक प्रोसेस है जो इस तरीके से लिखा है पी वी पे पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट.
कोई भी प्रोसेस अगर इस फॉर्मेट में है p v पे पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो बस x का वैल्यू आप पुट कर देना, तुमको इसका c मिल जाएगा। और एक बार मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल गया तो आप आगे का काम कर सकते हैं, आप आगे का काम कर सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं जरा गौर से देखो। मान लो जैसे एक एग्जांपल दे दें कि आप कोई एडियाबेटिक प्रोसेस का बात कर रहे हैं। आप एडियाबेटिक प्रोसेस में पी भी पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं, तो इसका मतलब यहां एक्स अभी गामा है, तो आपके सी का वैल्यू होगा आर बाई गामा माइनस वन प्लस आर बाई वन माइनस गामा। देखो तो दोनों कट जाएगा, सी जीरो, ठीक है। अब देखो मान लो कोई आइसोथर्मल प्रोसेस का बात करता, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ यार, तो यहां एक्स कितना है वन है ना, तो चलिए यहां वन लिखिए, तो मेरे C का वैल्यू हो गया R बाई गामा माइनस वन प्लस R बाई वन माइनस वन। अब वन माइनस वन तो जीरो हो गया, सो दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या सही है? कोई नया प्रोसेस लिखते हैं, जैसे मान लो हम लोग के पास है पी वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और बोला जाए चलो जी यहाँ सी निकालो या सी पे बेस्ट कुछ और क्वेश्चन है वो दे दिया गया, तो पहले सी निकालो। तो क्या इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे एक्स के पास टू आ गया? अब पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और यहाँ गैस का नाम है मोनोएटॉमिक, यहाँ क्वेश्चन अच्छे से क्राफ्ट है कि मोनोएटॉमिक गैस के बारे में बताया गया। हम तो थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं, क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज मेंटेन करेगा। तो गामा भी पता है मोनोएटॉमिक है तो 5/3 है, तब आप सी निकालिएगा आर बाई गामा माइनस वन प्लस आर बाई वन माइनस एक्स, देन सी विल बी इक्वल्स टू आर बाई गामा माइनस वन, गामा का वैल्यू हो गया 5/3 माइनस वन प्लस आर बाई वन माइनस टू, सो सी विल बी इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई 5 - 3/3 प्लस आर बाई माइनस वन, ये थ्री ऊपर नीचे टू, सो 3r/2 माइनस आर, कितना हो गया ये r/2 हो गया। तो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू है r/2। कोई भी प्रोसेस देखो जरा अगला, मान लो तुमको एक प्रोसेस दे, बोले p इज इक्वल्स टू kb2, चलो इसका सी निकालो, बोलो जी x कितना, देखिए बोलो माइनस टू, वेरी गुड। Actually, it can be written as PV square is equals to K. So you have to modulate in the given format, and you get that K x is equals to minus 2. Then solve this. Similarly, P square B is equals to some constant. Bolo ji, x kitna? हाँ, तो आपको लिखना पड़ेगा इसको थोड़ा सोच समझ के अपने फॉर्मेट के हिसाब से, यानी x is 1/2, then find C. तो कोई भी प्रोसेस का अगर आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना पड़ा, यू हैव टू गो थ्रू दिस वे, ठीक है, नोट करो इतना। चलो देखो नेक्स्ट एक टर्म होता है, दिस इज कॉल्ड लैटेंट हीट। ऑलरेडी आप जानते हैं हिडन हीट है, ठीक है ना, यूज्ड इन फेज चेंज। ये फेज चेंज में काम आएगा हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, दैट इज m टाइम्स ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लाइक दैट। इसी तरह अगर हम लोग के पास कोई लिक्विड है जिसको हम लोग वेपर में बदल रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, विच इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद रखिएगा ये केवल और केवल फेज चेंज करता है, देयर इज नो यूज इन टेम्परेचर चेंज, इसका टेम्परेचर के चेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता,
केवल और केवल फेज का चेंज करना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कंट्रीब्यूशन होता है केवल फेज को बदलने में, उसका कोई भी हिस्सा टेम्परेचर को चेंज नहीं करता। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां चीज को ऐसे समझो कि देख, हीट में अगर सॉलिड से लिक्विड में गए तो ये प्लस है, सही है ना, और अगर रिवर्स कर दो, लिक्विड को सॉलिड में करो तो हीट गेन होगा कि लॉस होगा? लिक्विड से सॉलिड बनाना है, हीट गेन होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। तो मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलेगा, बट साइन उस समय माइनस देना पड़ेगा खुद से। क्लियर हुआ? सही है, ठीक है। अब चलो, जरा हमसे कोई पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि सर इस केस में फेज चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नाउ सी दैट, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़े, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस W फॉर फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज। During phase change, मान लो हम लोगों के पास कोई एक सॉलिड है जो जा रहा है लिक्विड में, ठीक है। अब जरा वर्क करना, अगर हम इस केस में वर्क निकालते हैं तो पी डेल भी करेंगे, और जब हम वर्क करेंगे तो हमारा होगा पी एक्सटर्नल जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और वॉल्यूम होगा लिक्विड का माइनस वॉल्यूम होगा सॉलिड का। नहीं समझे आप? क्या आप ये समझ पाए हैं क्या हुआ है? तो अब आप, आपको भी मालूम है कि लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम में अंतर नहीं होता, दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली सेम एट सॉलिड। तो याद रखना कि ये वर्क कर्व हो जाएगा जीरो, और इस केस में जो हीट है वही चेंज इन एनर्जी है। तो सर हीट कितना है? हीट है भाई एम इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वही चेंज इन एनर्जी है। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? Yes. अब जरा दूसरा पार्ट पकड़ना। नाउ लिक्विड को भेज वेपर में या गैस में, अगर ऐसा है तो फिर से वर्क हो गया पी डेल वी, और वर्क हो गया पी वेपर का वॉल्यूम माइनस लिक्विड का वॉल्यूम। सही जा रहे हैं? इस बार तो आप ये डिफरेंस नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लिक्विड तो बहुत कम होगा लेकिन इसका वेपर बहुत होगा। तो वैसे केस में यू हैव टू फाइंड वर्क इन दिस वे, एंड नाउ क्यू इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। सो डेल ई विल बी इक्वल्स टू Q माइनस डब्ल्यू। सॉल्व करो, Q के जगह पे पुट करो M इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और जो वर्क आया उसको यहां लिखो, आराम से निकालो चेंज इन एनर्जी। क्या समझ में आया? तो इस फेज चेंज के दौरान, टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, बट स्टिल देर इज सम चेंज इन एनर्जी, एंड द चेंज इन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाई दिस और दिस इक्वेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? नहीं समझ रहा? अरे बोल यार, हाँ ना बोल दे। आ रहा आ रहा, ठीक है, वेरी गुड। नोट करो, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए चौक का ये छोटा सा पीस लिए, ये बड़ा सा पीस, और इसको हमें 100 जूल हीट दे दिए, और 100 जूल हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर गया। इस चॉक के पीस को 100 जूल हीट दिए तो इसका टेम्परेचर है ना 5 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर गया। अब इसको हटा दो। अब वाटर का एग्जांपल लिए, इसको भी 100 जूल ही हीट दिए और इसका भी टेम्परेचर 5 डिग्री सी से चेंज कर गया। तो जो वाटर का इतना अमाउंट है ना,
वो इस चौक पे इसका वाटर इक्विवेलेंट है, क्योंकि जितना हीट दे के इसका टेम्परेचर 5 डिग्री बदला गया, उतने ही हीट से इस वाटर का भी टेम्परेचर 5 डिग्री ही बदला। तो वाटर का जो ये अमाउंट है, वाटर का जो ये सैंपल आपको दिखाई दे रहा है, वो इस चौक का वाटर इक्विवेलेंट है। क्या लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो देखना है छोटा सा हम डिफिनेशन जैसा यहां लिख देते हैं, क्योंकि बहुत बार ये काम आता है। दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट अमाउंट ऑफ वाटर which shows same change in temperature after addition of same amount of heat as actual substance does is called water equivalent of substance। पानी का इतना अमाउंट जो सेम चेंज इन टेम्परेचर करें जितना कि एक्चुअल बॉडी में हुआ था ड्यू टू एडिशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हीट, वही वाटर का अमाउंट वाटर का इक्विवेलेंट कहलाता है, सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं।